स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। मैं हूं इंजीनियर गणेश पटेल, आप देख रहे हैं माइंड मेकर गुरुजी। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि स्कूल एंट्रेंस टेस्ट SET 2020-21 की जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को अपडेट करने की बात की जा रही है, जिसमें आपके बहुत सारे आपके कमेंट सेक्शन में अलग अलग तरीके के बच्चों की प्रॉब्लम आए कि सर प्रॉब्लम हो रही है आपके फॉर्म को अपडेट करने में, क्या जो आपके जनरल स्टूडेंट हैं उनको भी फॉर्म को अपडेट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, उनको भी अपडेट करना पड़ेगा। आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हैं, फॉर्म को अपडेट करना जरूरी है। और आप एप्लीकेशन फॉर्म को वापस करना चाहते हैं तो उसकी क्या प्रोसीजर है, सभी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होंगी। और इससे पहले वाले वीडियो को आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, जिसमें पूरी आपको डिटेल में प्रोसीजर बताई गई है कि कैसे आपके फॉर्म को अपडेट करना है और साथ में क्लास 9th और क्लास 11th को कैसे अपडेट करना है उसकी बात आपको बताई गई है, तो उसको आप कंटिन्यू कर लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। और साथ में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले आपके VHU हेल्पलाइन नंबर, जो आपके हेल्प डेस्क नंबर दिए गए हैं, जिसकी टाइमिंग आपकी सुबह 10 से शाम 6 के बीच में, इस पर आप कॉल करके पूरी आपकी अच्छे प्रकार से जानकारी ले सकते हैं कि सर आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या होगा जो आपके OBC में लग रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के तमाम क्वेश्चन आ रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो उसको आप वहां पर पूछ सकते हैं जो आपको बेहतर जानकारी दे पाएंगे, जिसमें आपकी क्लास 6 के रिगार्डिंग 2 नंबर दिए गए हैं, क्लास 9th के रिगार्डिंग आपके 2 नंबर हैं और क्लास 11th के रिगार्डिंग और क्लास 11th के रिगार्डिंग 4 नंबर दिए गए हैं। तो इसको आप वहां से आप कांटेक्ट करके जो भी आपकी जानकारी है, आपकी मार्कशीट अपलोड करने की जानकारी और साथ में जो भी डिटेल है वहां पे आप देख लीजिएगा। बाकी मैं यहां पे सपोर्ट कर रहा हूं कि कैसे आपको क्या करना है, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं कि कैसे आपको क्लास 9th और क्लास 6 के एप्लीकेशन फॉर्म को अपडेट करना है। सबसे पहले आपको करना यह होगा कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आपके www.bhuonline.in पर, यहाँ पे आपके क्लिक हियर टू अप्लाई फ्रेश या अपडेट, जो अपडेट फॉर्म को करना है और या आपके नए बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका ये पेज ओपन हो जाए, जिसमें आपके स्कूल एंट्रेंस टेस्ट SET लिखा रहेगा। यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन आपके फॉर्म, यह सभी जानकारी यहाँ पे लिखे रहेंगे। स्कूल एंट्रेंस टेस्ट SET लिखा रहेगा, तो यहाँ पे आपको साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे करने के बाद आपने जो फॉर्म में email ID फिल किया है यहाँ पे उसको आपको पेस्ट करना है, यहाँ पे आपको उसको फिलअप करना है। अगर आपको email ID नहीं पता है तो जहाँ से आपने फॉर्म को फिलअप कराया है वहाँ से email ID या पासवर्ड को फिल कर सकते हैं। अगर आपका पासवर्ड भूल गए तो यहाँ से आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके उसको आप फिर से पा सकते हैं। email ID के माध्यम से सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मेरे को email ID पता है और साथ में पासवर्ड भी पता है, तो मैं सीधे लॉगिन करता हूँ, यहाँ से साइन इन करता हूँ। साइन इन आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। साइन इन करते ही आपकी स्टूडेंट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपके पहले नंबर पर एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरे नंबर पर आपके प्रीव्यू फॉर्म और तीसरे नंबर पर आपके मेक पेमेंट और चौथे नंबर पर आपके प्रिंट फॉर्म और आपके पाँचवें नंबर पर पेमेंट स्टेटस आपका क्या है, और लास्ट में एक अलग से आपका ऑप्शन आ रहा है अपडेट एप्लीकेशन। अगर आप 6 और क्लास 9th के स्टूडेंट और साथ में 11th के स्टूडेंट हैं तो आपको अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है, जिन्होंने पहले से फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है। मैं अपडेट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मेरे को फॉर्म को अपडेट करना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे पहले कि रजिस्ट्रेशन ID लिखा हुआ है और कोर्स टाइप लिखा हुआ है, कोर्स नेम लिखा हुआ है और एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, आपका पेमेंट ID क्या है, सभी जानकारी यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। यहाँ पे आपका लिखा है आई वॉन्ट टू कंटिन्यू इन द न्यू एडमिशन सिस्टम। अगर आप न्यू एडमिशन सिस्टम को कंटिन्यू करना चाहते हो तो यहाँ पे यस कीजिए, अगर आप फॉर्म को विथड्रॉ करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको नो करना है, और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को विथड्रॉ करना है तो यस करने के बाद सबमिट करना है। यह हो गई क्लास आपके 6 और 9th की बात हो गई। अगर हम 11th की बात करते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि 11th में कैसे फॉर्म को विथड्रॉ करना है। जिनका किसी भी कारणवश परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है, उनको लगता है कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और कितनी परसेंट पे सिलेक्शन होगा, इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, वो आपको बेहतर जानकारी प्रोवाइड करा पाएंगे। इसके रिगार्डिंग मेरे पास कोई भी जानकारी नहीं,
हैं कि सर कितने मार्क्स पे आपका एडमिशन हो जाएगा और कितनी मेरिट बनेगी, इसके रिगार्डिंग वो आपको बता पाएंगे। जो आपके नए एडमिशन दिए गए हैं आपके सिस्टम, उसको हमको कंटिन्यू करना है, तो मैंने यस कर दिया। और यहाँ पे लिखा है कि आपको अपडेट योर एप्लीकेशन फॉर्म, कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। कैटेगरी में अगर आप SC हैं तो SC, ST हैं तो ST, और आप अगर OBC हैं तो OBC, और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, जो आपका सर्टिफिकेट होगा जिसको आप जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको फिलअप करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो ऑफिशियल नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कीजिए, वो आपको बेहतर जानकारी प्रोवाइड करा पाएंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका लास्ट डेट जो रखा गया वो आपका 24 सितंबर 2020 रखा गया, तो अभी समय ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत वाली टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते तो यहाँ पे आपको अनरिजर्व्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका बच्चा जो है आपका जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो मैंने आपका अनरिजर्व्ड सेलेक्ट कर लिया। और अगर आप OH कैटेगरी से बिलोंग करते दिव्यांग हैं, तो यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, नो। अगर यस सेलेक्ट करते हैं तो आपको दिव्यांग का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा बाद में जब आपकी काउंसलिंग होंगी। और साथ में यहाँ पे सर्टिफिकेट पूछा जा रहा है अगर आप दिव्यांग हैं, और यहाँ पे अगर आप BHU एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय नंबर भी पूछा जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पे फिलअप कीजिए, अगर नहीं है तो ये दोनों ऑप्शन को आपको नो करना है। सिंपल सा आपको नो करने के बाद फॉर्म को सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक मैसेज आएगा जो आपका BHU की तरफ से रहेगा, जिसमें आपका लिखा रहेगा कि आर यू श्योर वॉन्ट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन फॉर्म, क्या आप श्योर हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए। अगर आप यस करते हैं तो हो जाएगा, अगर आप ओके करते हैं तो हो जाएगा सबमिट। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि है, किसी भी प्रकार की चेंज करना है, तो यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं सबमिट कर देता हूँ क्योंकि मैं श्योर हूँ, तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा जाएगा सबमिटेड सक्सेसफुल, आपका फॉर्म पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो गया, एक मैसेज आएगा। देन उसके बाद आपको ओके कर लेना। ओके करने के बाद जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं तो वेबसाइट आपकी लोड होगी। लोड होने के बाद यहाँ पे आपके सभी डिटेल दिख जाएंगे, इसमें आप फॉर्म को देख पाएंगे। सभी डिटेल यहाँ से व्यूज कर सकते हैं फॉर्म को। मैं फॉर्म को देख नहीं रहा हूँ क्योंकि हमको पता है कि क्या आपके आने वाले हैं। आप रिव्यू कर सकते हैं जहाँ पे आपकी सभी डिटेल शो करेंगी, और लास्ट में यहाँ से आप साइन आउट पे क्लिक कर देंगे। साइन आउट पे क्लिक करते ही आपकी फिर से ओपन हो जाएगी, जिसको आप कट करने के बाद क्लोज कर सकते हैं। लेकिन हमको अब क्लास 11 का फीस वापस कराना है किसी बच्चों का, तो उसके लिए हम बात करते हैं कि कैसे आपको फीस वापस कराना है। यहाँ पे आप ईमेल आईडी और साथ में पासवर्ड को फिल करेंगे। मेरे को पहले से ईमेल आईडी और पासवर्ड पता है, तो मैं टाइप नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को पता है, मैंने यहाँ से सेव कर रखा है पहले से। तो मैं साइन इन डायरेक्ट करता हूँ। साइन इन करते ही आपका स्टूडेंट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जी हाँ, डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपके सभी ऑप्शन आएंगे पहले के जैसे, जैसे आपके एप्लीकेशन फॉर्म, प्रीव्यू फॉर्म, मेक पेमेंट, प्रिंट फॉर्म, पेमेंट स्टेटस, और आपका अपडेट एप्लीकेशन आ जाएगा। तो मैं अपडेट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पे अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यस करिए। यस करते ही आपकी कैटेगरी आ जाएंगी, और साथ में आपके दिव्यांग हैं, और साथ में आपके ANCC सर्टिफिकेट बहुत ही ज़रूरी, अगर जिन बच्चों के पास है उनको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन मिल सकता है NCC सर्टिफिकेट के लिए। और साथ में यहाँ पे 10th क्लास का डिटेल फिल करना है। डिटेल के लिए अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में क्या फिलअप करना है, तो इसमें जो आपके लैंग्वेज है हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट है उसको फिल करना है। और ज़्यादा जानकारी के लिए, कन्फर्मेशन के लिए, BHU के हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। वहाँ से कन्फर्मेशन होने के बाद इसमें आप डिटेल को फिल कर लीजिएगा। कुछ बच्चों को ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो आपके IT या कंप्यूटर सब्जेक्ट हैं, उसके लिए यहाँ पे आपके सब्जेक्ट नेम और आपने उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट में कितना मार्क्स गेन किया है यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। और ज़्यादा जो भी आपके सब्जेक्ट हैं यहाँ पे आप फेल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ग्रैंड टोटल करने के बाद आपको मैक्सिमम कितने मार्क्स में से आपने कितना मार्क्स आपके गेन किए, ऑब्टेन किए, यहाँ पे फेल करने के बाद यहाँ पे आपका परसेंटेज जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया जाएगा। और मार्क्सशीट जो है आपको अपलोड करना है, इमेज के फॉर्मेट में अपलोड करना है। और साथ में मैं बता दूँ कि आपको स्कैन करा के अपलोड करना है जो आपके ओरिजिनल मार्क्सशीट हैं,
उसको आप स्कैन करा के यहाँ से अपलोड कर सकते हैं या साइबर कैफे से फिलअप करा सकते हैं और देन इसके बाद सबमिट कर सकते हैं। लेकिन हमको जो है फॉर्म को वापस कराना है, हमको विथड्रॉ करना है, तो हमको यह सभी चीज़ें आपको करनी नहीं है। अगर आपको फॉर्म को फिलअप करना है तो इसके रिगार्डिंग मैंने बताया है, पहले से वीडियो अपलोड है, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे को विथड्रॉ कराना है फॉर्म को, तो मैंने यस किया और यहाँ पे आई वॉन्ट टू विथड्रॉ माई एप्लीकेशन फॉर्म मैं सबमिट कर दे रहा हूँ। मैंने यस कर दिया, यहाँ पे लिखा है आर यू श्योर वॉन्ट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपको लगता है कि मेरा परसेंट बहुत ज़्यादा कम है मैथमेटिक्स या साइंस में या सोशल साइंस में आपके या जो भी आपके मेन स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट हैं उसमें ज़्यादा आपका नंबर कम है, तो आप विथड्रॉ कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप ज़्यादा जानकारी के लिए बेचू हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको बेहतर जानकारी प्रोवाइड करा पाएंगे। यहाँ पे मैं यस कर दे रहा हूँ, ओके करने के बाद आपका फॉर्म जो होगा सबमिट सक्सेसफुल हो जाएगा। जिस अकाउंट से आपके पैसे कटे हैं उस अकाउंट में आपके वापस रिफंड कर दिए जाएंगे, सेम अकाउंट में पैसे आएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपका फॉर्म जो है वापस कर लिया गया है। यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी फर्दर आपको जानकारी दी जाए, आप वेट कर लीजिएगा, जो भी टाइमिंग लगेंगे आपके पैसे सेम अकाउंट में रिफंड कर दिए जाएंगे। हम लोगों को अब साइन आउट करना है, तो मैं साइन आउट पर क्लिक कर दे रहा हूँ और सेम आपकी फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जा रहा हूँ। यहाँ पर आपका हेल्पलाइन नंबर दिया है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए। लेकिन टाइमिंग देखिएगा, 10 से 6 के बीच में ही आपको कॉल करना है, और साथ में अगर बिजी कॉल आता है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, प्रतीक्षा कर लीजिएगा, वहाँ पे सभी जानकारी आपको दी जाएंगी। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी चीज़ें आपकी मेंशन की गई हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए मैं सभी बच्चों के कमेंट सेक्शन को पढ़ता हूँ, तो इस बात का केयर कीजिएगा। भले आपको रिप्लाई नहीं देता हूँ किसी भी कारणवश, जो भी टाइमिंग का इशू है, लेकिन कमेंट सेक्शन सभी बच्चों को पढ़ता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी एग्जामिनेशन के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत सारे आपके यूट्यूब चैनल वाले भी आपके सपोर्ट में हैं, एग्जामिनेशन कराने के हित में, पूरी तरीके से आपकी नाइंसाफी बच्चों के साथ। और आप अपनी प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू मोड में रखते चलिए, और साथ में आप एकेडमिक को भी पढ़ते चलिए। यहाँ पे सियोरिटी नहीं है कि आपके सिलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि ई लॉटरी मतलब आपके पूरी तरीके से आप बोल सकते हैं कि आपका लक पे डिपेंड करता है। जिन बच्चों का लक करेक्ट रहेगा, अच्छा रहेगा, उनका हो सकता है, या इस पर क्या कंप्यूटर पर क्या सिस्टम चलता है, कैसे सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। तो ई लॉटरी और मेरिट बेस पे एडमिशन में आपकी लिमिटेड सीटों पे आपके लिमिटेड बच्चों का ही एडमिशन होगा। तो आप जो भी एकेडमिक की पढ़ाई करें उसको कंटिन्यू मोड में रखते चलिए, और साथ में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।